हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भरवा परवल की रेसिपी। ये परवल बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। बहुत लोगों को परवल पसंद नहीं होती, लेकिन इस तरह से परवल बनाएंगे तो पसंद आएगी। ये भरवा परवल आप एक सप्ताह तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बनाने के लिए भरवा परवल को, देखिए यहाँ पर हमने परवल लिए हैं। ये हमारी परवल भरवा बनेगी, इसलिए हमने परवल को बड़े साइज में और थोड़ा सा मोटा परवल है। तो अब हम परवल को एक चाकू से इसको छील लेते हैं ऊपर से। तो देखिए इस तरह से इसको छील लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से छिलका हट जाने से ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने इस तरह से आपको छील लेना है। उसके बाद दोनों तरफ से इसको काट लेते हैं परवल को। तो देखिए इस तरह से हमने परवल को दोनों तरफ से काट लिए हैं। तो सारे परवल को छील लेंगे और इस तरह से काट लेंगे। तो सारे परवल को हमने छील काट करके और धोकर अच्छी तरह से रख लिए हैं। अब हम परवल लेते हैं और एक चाकू लेते हैं, फिर चाकू से हम चीरा लगाएंगे बीच में। तो इस तरह से चाकू लेना है और इसको बीच में इसको चीरा लगाएंगे। चीरा ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए परवल में, क्योंकि ज़्यादा गहरा करेंगे तो परवल हमारी फट जाएगी ज़्यादा और टूट जाएगी, दो भाग में हो जाएगी। तो बस हल्का ही चीरा लगाएंगे इस तरह से, देखिए, और उंगली से इसको इस तरह से पकड़ के देखिए चीर लिए हैं हम। उसके बाद ये फिर इसको चीरा लगाने के बाद इसके बीज का जो पार्ट है परवल का बीज वगैरह, इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने उंगली से सारे बीज को निकाल करके सारे परवल से रख लिए हैं। तो देखिए इस तरह से आप भी परवल का बीज सब निकाल लीजिएगा। देखिए मेरा हमारी परवल खोखला हो गई है। फिर हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मिक्सी का पॉट लिए हैं। उसके बाद इस पॉट में हमें इधर प्याज काट के रख लिए थे, तो हम प्याज को देखिए इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर प्याज को डाल दिए हैं। आपका जितना परवल हो उस तरीके से आप मसाला बना सकते हैं, ज़्यादा या कम। तो हमने यहाँ पे दो प्याज को काट के डाल दिए हैं। और ये गोल मिर्च पाउडर है, खड़ा मेरा गोल मिर्च है, तो ये खड़ा गोल मिर्च को मैं डाल दे रही हूँ। आपके पास अगर खड़ा गोल मिर्च नहीं हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ खड़ा गोल मिर्च को डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे जीरा को डाल देते हैं। तो जीरा भी हमने यहाँ पर एक चम्मच बड़े चम्मच से डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लहसुन डाल देते हैं। तो लहसुन की कलियाँ हमने छील के रख लिए थे, लहसुन डाल दिए हैं। लहसुन आपको पसंद नहीं हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लहसुन का टेस्ट पसंद नहीं होता। अब हम यहाँ पे जो परवल का बीज निकाले थे उसको डाल देते हैं, क्योंकि परवल के बीज से ही मसाला हमारी और बढ़ जाएगी और बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आप नहीं भी डाल सकते हैं परवल का बीज। और मसाला हमने पानी डाल करके और पीस लिए और पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। अब एक बाउल में पेस्ट को हम निकाल लेंगे। इधर हम गैस पे कढ़ाई अपनी चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो तेल हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और तेल हमारी गर्म हो रही है। तो तेल हमारी गर्म हो गई है कढ़ाई में। अब हम इसमें प्याज बारीक काट करके रखे हैं, प्याज बारीक इसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद प्याज को हम भून लेंगे, थोड़ा गुलाबी होने तक प्याज को हमें भूनना है। तो हमारी प्याज देखिए गुलाबी हो रही है, भून करके तैयार हो गई है गुलाबी। अब इसमें हम पेस्ट को डाल देते हैं। जो हमने पेस्ट तैयार किए थे मिक्सी में, वो पेस्ट हम इसमें डाल दिए हैं। पेस्ट को हम भूनेंगे कुछ देर तक, चलाते हुए पेस्ट को भूनना है। बस हम 5 मिनट तक पेस्ट को भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम नमक डाल दिए हैं। तो हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक आपको डाल देना है, जितना आपका मसाला हो उस अनुसार से आप टेस्ट के अनुसार अपना नमक डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे नमक भी डाल दिए। अब हम हल्दी को डाल देते हैं। तो हल्दी पाउडर यहाँ पे डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेना है। उसके बाद हल्दी पाउडर हमारी देखिए मिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर। तो हमने यहाँ पर बड़े चम्मच से धनिया पाउडर को भी डाल दिए हैं। अब हम धनिया पाउडर डालने के बाद यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दिए हैं, ताकि हमारी टेस्ट गर्म मसाला से और अच्छी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को डाल दिए।
अब हम मिक्स कर देते हैं इसको। तो मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं। तो हमने आधे चम्मच भर अमचूर पाउडर को डाल दिए हैं। अमचूर पाउडर आपके पास नहीं हो तो आप नींबू भी दे सकते हैं। और हमने मसाला को भून करके इस तरह से 10-15 मिनट मसाला भूनने में लगे हैं, काफ़ी टाइम, क्योंकि अच्छी तरह से इसको ड्राई करना होता है। तो हमने मसाला को भून के अच्छी तरह से ड्राई कर लिए हैं। अब हम मसाला को भर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे परवल को लिए हैं और इस तरह से कितनी ड्राई हमारी मसाला है। जितनी ड्राई आपकी मसाला रहेगी, अच्छे से हाथ में चिपकेगी भी नहीं और अच्छी तरह से भून करके सूंधी भी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो इस तरह से देखिए, हमने परवल में मसाला को डाल दिए हैं और इस तरह से आपको भर लेना है परवल के बीच में। तो देखिए, हम इस तरह से भर रहे हैं, तो आप भी इस तरह से भर लीजिएगा। तो हमने एक परवल को दिखा है, फिर मैं और दिखा देती हूँ कि किस तरह से भरती हूँ। तो देखिए, फिर मैं दूसरी परवल को भी दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह से मसाला लेना है और उंगली से इस तरह से आपको फैला करके और बीच में मसाला को डाल के भर लेना है। तो हमने सारे परवल को इस तरह से भर के तैयार कर लेना है। तो हमने परवल को भर लिए हैं मसाला से। अब हम चलते हैं इधर गैस पे, कढ़ाई को चढ़ाते हैं। अब हम इधर गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। इसमें तेल हम डाल दिए थे, तेल भी गर्म हो गई है। अब इसमें हम परवल को डाल देते हैं और परवल को फ्राई कर लेते हैं। तो हमने सारे परवल को बारी बारी से, आपके कढ़ाई में जितनी परवल आ सके, 1-2-4 आप डाल दें। तो हमने यहाँ पे परवल को डाल करके और इस तरह से गैस को आप स्लो कर दें, मीडियम, और इस तरह से फ्राई कर लें आप उलट पलट करके दोनों बगल से। इस तरह से चमचे की सहायता से आप भर करके और ड्राई कर लें। इस तरह से फ्राई आपकी हो जाएगी। तो देखिए, फ्राई कर लेते हैं और इस तरह से हमारी परवल भी फ्राई हो गई। अब हम निकाल लेते हैं। तो हमने प्लेट में निकाल लिया है फ्राई परवल को। तो अगर ये मेरा भरवा परवल बनाने का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।